हेलो फ्रेंड्स, इजी वे होम कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके साथ एक और रेसिपी के साथ यहाँ मैं मिल रही हूँ। यहाँ मैंने बनाया है फ्रेंड आलू का पराठा, मसाले वाली आलू का पराठा। फ्रेंड इसे बिहार में और बिहारी भाषा में मकुनी भी बोला जाता है। तो चलिए आज इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मेरे पराठे में आलू दिख रहा है कि नहीं। फ्रेंड मेरी कुकिंग कैसी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूँ आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ मैंने आटा ले लिया था और आटे में थोड़ी सी नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी नमक ऐड करें फ्रेंड और इस आटा नमक को अच्छी तरह से आटे में मिला ले। यहाँ पे मैंने आटा को अच्छी तरह से गूंथ लिया है फ्रेंड। यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज, दो प्याज, थोड़ी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को काटती हूँ फ्रेंड। और यहाँ मैंने आलू को उबाल लिया था, यानी यहाँ मैंने 1 किलो आलू ली हूँ आधा किलो आटा में फ्रेंड। अब मैं जो उबली हुई आलू है उसको अच्छी तरह से तोड़ ले रही हूँ फ्रेंड। और इसे तोड़कर आप एक चोखा बना ले। इसे अच्छी तरह से मैं तोड़ रही हूँ फ्रेंड, देख लीजिए। यहाँ मैंने आलू को, सारे आलू को तोड़ के अच्छे से एक चोखा बना लिया है फ्रेंड। यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, सरसों तेल। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी जीरा ऐड कर रही हूँ। जब हमारा जीरा चटक जाएगा तब इसमें जो मैं बारीक बारीक प्याज काट के रखी थी, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च, उसको डालूंगी फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च को डाल रही हूँ, देखिए फ्रेंड। और इसे थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। जब हमारी हरी मिर्च फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसमें अदरक, जो बारीक बारीक अदरक काट के रखी थी, और लहसुन, दोनों को ऐड करेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी फ्रेंड तब जो हमने बारीक बारीक प्याज काटा था उसको इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छी तरह से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है फ्रेंड। अब इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें जिससे कि पराठे में हमारा नमक पता चले। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद इसे थोड़ी सी फ्राई कर ले फ्रेंड। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब यहाँ पे मैं थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड। और इसे डालने के बाद भी थोड़ी सी फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा प्याज जो था वो लाल हो चुका है। और यहाँ पे मैंने जो आलू को रखा था चोखा बना के, अब उसको इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। और उसको इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मसाले में मिला लेंगे और मिलाकर इसे थोड़ा उसमें फ्राई कर लेंगे फ्रेंड। इसको अच्छी तरह से मिलाएं फ्रेंड कि जैसे हमारा नमक जो है, जो हमने मसाले डाले थे, वो आलू में अच्छी तरह से मिल जाए। और थोड़ा सा फ्राई कर ले। यहाँ मैंने फ्राई करने के बाद इसे निकाल लिया था फ्रेंड। अब जो मैं आटा ली हूँ उसमें आटे को लोई बना ली हूँ फ्रेंड। देखिए अब इसे मैं कैसे आटे में भर रही हूँ फ्रेंड। आप भी इसी तरह इसे भरिएगा तो हमारा पराठा जो है वो फटेगा नहीं, वो आलू कहीं से निकलेगा नहीं फ्रेंड। तो देखिए मैं कैसे इसे भर रही हूँ और इसका अच्छी तरह से भर के इसे दबा दे रही हूँ कि जिससे हमारा आलू कहीं से भी निकले ना। अब मैं इसे अच्छी तरह से बेल लूँगी। देखिए मैं कहीं से भी हमारा आलू नहीं निकल रहा है फ्रेंड। इस तरह आप भी बेल लें। देखिए मैंने इसे बेल लिया है। और यहाँ पे मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था
और इसमें मैंने पराठे को डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक लेंगे फ्रेंड, और सेकने के बाद आप चाहे तो घी और चाहे तो रिफाइंड ऑयल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था फ्रेंड। अब मैं पराठे को ग्रीस कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक ले और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर ले। देखिए फ्रेंड, हमारा पराठा देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। इसमें लाल लाल चकते आ गए हैं। अरे, पराठा भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए, अब इसी तरह करके मैं सारे पराठों को बना लूँगी फ्रेंड, जितने मेरी आटा थी। देखिए फ्रेंड, पराठा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ठंड में आप इस तरह से ज़रूर बनाए फ्रेंड, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है फ्रेंड। फ्रेंड, इसे मकुनी भी बोलते हैं। फ्रेंड, यहाँ मेरा आलू पराठा तैयार हो गया है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड मेरे वीडियो को देखने के लिए। अब इसे आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।